हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एंड सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाइड शेड्यूल, सप्लाइड कर्व and supply function, determinants of supply, etc. The first point is concept of supply. Supply of a commodity refers to a schedule or a table showing various quantities of a commodity that the producer or producer are willing to sell at different possible price of the commodity at a point of time. मीन सप्लाई का मतलब ये है कि कोई भी जो सेलर है एक सर्टेन प्राइस पर, सर्टेन प्राइस पर पॉइंट, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक सर्टेन क्वांटिटी जो सेल आउट करने के लिए वो रेडी हो जाता है, उसको हम सप्लाई कहते हैं। नेक्स्ट इज सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई। जैसे डिमांड एंड डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ाई थी मैंने आपको, इसी तरीके से इसी है सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई मीन्स ऐसी चीज़ें जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी जो सप्लाई की जा रही है वो सप्लाई है, जो सेल आउट की जा रही है वो सप्लाई है। क्वांटिटी डिमांड, एक सर्टेन प्राइस पर, फिक्स प्राइस पर फिक्स क्वांटिटी की सप्लाई को क्वांटिटी सप्लाइड कहेंगे। सप्लाई रेफर टू द एंटायर शेड्यूल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज ऑफ दैट कमोडिटी। क्वान्टिटी सप्लाई रेफर ऑफ टू ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफर फॉर सेल एट ए स्पेसिफिक प्राइज ऑफ द कमोडिटी। स्पेशल प्राइज, फिक्स प्राइज पर जब कोई स्पेशल पॉसिबल प्राइज पर स्पेसिफिक अमाउंट पर स्पेसिफिक प्राइज पर बेची जा रही हो तो उसे हम कहेंगे क्वान्टिटी सप्लाई। Now we will discuss next point is supply schedule. Supply schedule is a table showing various quantities of a commodity offered for a sale corresponding to different possible price of that commodity. जब supply के जो बहुत सारी items की जो price है, बहुत सारे price पर बहुत सारी quantity जब बेची जा रही है, sell out की जा रही है, उसको एक table format में show कर दिया जाएगा तो उसे हम सप्लाई शेड्यूल कहेगा। तो इट्स हैव टू एस्पेक्ट्स, फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड सेकेंड इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इसी तरीके से हमने डिमांड में भी यही पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, सेम बातें हैं वही। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट। इट्स शो डिफरेंट क्वान्टिटी सप्लाई बाई ए फर्म एंड डिफरेंट प्राइज ऑफ कमोडिटी। जो इंडिविजुअल सप्लाई, केवल एक फर्म की ही बात होगी, एक इंडिविजुअल फर्म के, एक इंडिविजुअल के ही ऊपर डिस्कस किया जाएगा उसकी वो कितनी किस प्राइज पर कितनी क्वान्टिटी सप्लाई कर रहा है, कितनी कर रही है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ ऑल द फर्म इन द मार्केट। द मार्केट प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी, सम टोटल ऑफ द फर्म प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड इंडस्ट्री। दस मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्री एज होल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात की तो जब जितने भी फर्म्स हैं मार्केट में, उन सबको अगर उनका सम कर दिया जाए सबका, तो वो इंडस्ट्रीज बनता है। तो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जितने भी फिक्स प्राइस पर जितनी क्वांटिटी की सप्लाई की जा रही है एक इंडस्ट्रीज़ की, इंडस्ट्री की, तो वो उसको हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहेंगे। नेक्स्ट इज सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व की बात करें हम तो देखिए, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। जब सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा तो उसे हम सप्लाई कर्व कहेंगे। शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी
ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइज ऑफ दैट कमोडिटी। इट शो द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइज ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वान्टिटी सप्लाई। जो सप्लाई कर्व होता है, जो सप्लाई शेड्यूल है, उसकी जो प्राइस और क्वांटिटी है उनके बीच में ये पॉजिटिव रिलेशन शो करता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। क्वांटिटी प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी भी कम होगी, क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। हायर क्वांटिटी इज ऑफर्ड एट हायर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई कर्व हैज़ टू आस्पेक्ट्स, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट। कोई भी इंडिविजुअल फर्म का जो सप्लाई कर्व बनेगा सप्लाई शेड्यूल के थ्रू, तो वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कहलाएगा। एंड स्लोपिंग अपवर्ड इट्स इंडिकेट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइज ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वान्टिटी सप्लाइड एज ओके सप्लाई। तो बात की जाए इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, जो सप्लाई कर्व है वो इंडिविजुअल फर्म के बीच में, इंडिविजुअल फर्म की जो सप्लाई है प्राइस के, क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन शो करेगा, अपवर्ड होगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होगा। नेक्स्ट इज जब आपको ई नोट्स देखेंगे तो इसमें जब ई नोट्स आप चेक करेंगे तो ई नोट्स पे सारे के सारे कर्व बने हुए अपवर्ड डाउनवर्ड सब तरीके से दिख रहा है इसमें। तो ये जो सप्लाई कर्व होगा अपवर्ड होगा, लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था वो इंडिविजुअल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है तो मार्केट सप्लाई कर्व। जब मार्केट सप्लाई कर्व की बात की जाएगी तो जितने भी फर्म्स होंगे उनके जितने भी सप्लाई कर्व होंगे उन सबको मिला जुला करके या मार्केट सॉरी इंडिविजुअल सप्लाइड शेड्यूल होगा, उन सबका मिला जुला करके जो कर्व बनेगा या शेड्यूल बनेगी उसे हम मार्केट सप्लाइड कर्व कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाई फंक्शन एंड और डिटरमेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के फंक्शंस देखिए, मैंने आपको बताया था जैसे एस एक्स बता तो डी एक्स बताया, क्वांटिटी डिमांड ऐसे मैंने बताया था, डिमांड ऑफ कमोडिटी इस तरीके से बताया था, पी बताया था, पी आर बताया था, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई थी डिमांड फंक्शन में। तो ये सेम चीज़ें वही है। सप्लाई फंक्शन की बात करें तो सप्लाई फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटरमेंट्स। द सप्लाई ऑफ कमोडिटी मेनली डिपेंड ऑन द गोल ऑफ द फर्म, ऑन प्राइज ऑफ द कमोडिटी, प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज ए फंक्शनल सेवरल फैक्टर एज एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो एक्स एस एक्स इक्वल टू एफ पी एक्स पी आर एन एफ जी पी एफ टी ई एक्स जी पी एक्सेट। हेयर एस एक्स इक्वल टू सप्लाई ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट, एफ इज फंक्शनल रिलेशन, पी एक्स ऑन प्राइज ऑफ कमोडिटी एक्स, पी आर प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड्स, एन एफ नंबर ऑफ फर्म्स इन दैट इंडस्ट्री, एफ गोल ऑफ द फर्म एंड पी एफ प्राइज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टी मीन्स टी इक्वल टू स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ई एक्स बिजनेस एक्सपेक्टेशंस एंड जी पी मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसी। इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। फर्स्ट इज ऑन प्राइज ऑफ ए कमोडिटी, पी एक्स की बात करेंगे। देर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइज ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वान्टिटी सप्लाई। जनरली हायर द प्राइज हायर द क्वान्टिटी सप्लाई एंड लोअर द प्राइज लोअर द क्वान्टिटी सप्लाई। इट्स मीन इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इज प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड्स। सप्लाई ऑफ ए गुड्स डिपेंड्स अपॉन द प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड्स। कंसिडर ए फर्म सेलिंग टी,
ए प्राइज ऑफ कॉफी राइजेज इन द मार्केट द फर्म विल बी विलिंग टू सेल सेल एस टी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइज क्वान्टिटी सप्लाइड विल रिड्यूस एवन वेन प्राइज ऑफ ए टी इज कॉन्स्टेंट। प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात हो गई है, एक टी की प्राइज बढ़ गई है तो टी की प्राइस बढ़ी है तो कॉफ़ी की क्वांटिटी सप्लाई नहीं होगी ज़्यादा, अगर टी की प्राइस कम होगी कॉफ़ी के रेट बढ़ गए हैं तो कॉफ़ी की सप्लाई ज़्यादा होगी, पॉजिटिव रिलेशन शो करती है ये। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्रीज, मार्केट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी मार्केट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्रीज, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स एम्प्लाइज इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स एम्प्लाइज डिक्रीज इन मार्केट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। नंबर ऑफ फर्म्स अगर मार्केट में ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ फर्म्स अगर सब मार्केट में कम है इंडस्ट्रीज में कम है तो सप्लाई भी कम होगी। नेक्स्ट इज प्राइज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटीज ऑल्सो अफेक्टेड बाई द ऑल्सो अफेक्टेड बाई द प्राइज ऑफ फैक्टर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी इन द फैक्टर प्राइज डिक्रीजेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो रिड्यूस अकॉर्डिंगली मोर ऑफ द कमोडिटी सप्लाई एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइज कन्वर्सली इफ द फैक्टर प्राइज इंक्रीज कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज इन सच ए सिचुएशन लेस ऑफ द कमोडिटी सप्लाई इन द एग्जिस्टिंग प्राइज मीन अगर सप्लाई ज़्यादा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है सब प्राइज तो प्राइज अगर बढ़ गया है मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर प्राइज कम हुआ तो सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज गोल ऑफ द फर्म, इफ गोल ऑफ द फर्म इज मैक्सिमाइज प्रॉफिट मोर क्वान्टिटी ऑफ द कमोडिटी विल बी ऑफर्ड ओनली हायर प्राइज ऑन द अदर हैंड इफ गोल ऑफ द फर्म इज मैक्सिमाइज सेल्स फॉर मैक्सिमम आउटपुट फॉर और एम्प्लॉयमेंट मोर विल बी सप्लाईबल एट द सेम प्राइज। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर किसी कंपनी का है तो हाई प्राइज पर ज़्यादा सप्लाई होगी, अगर किसी कंपनी का सेल्स मैक्सिमाइज करना है तो कम प्राइज पर भी वो कम प्राइस पर या एग्जिस्टिंग प्राइस पर ही सप्लाई ज़्यादा करेगी, ये गोल ऑफ द फर्म है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसेंटली मोर ऑफ द कमोडिटी सप्लाई एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइज। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी है तो सप्लाई ज़्यादा, ऑल टेक्नोलॉजी है तो सप्लाई कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा भाई। नेक्स्ट इज बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, इन सिचुएशन ऑफ बुलिश एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टमेंट टेंड टू राइज एंड सप्लाई स्टार्ट रेजिंग एंड अकॉर्डिंगली क्वान्टिटी सप्लाई राइजेज इवन वेन ओन प्राइज ऑफ द कमोडिटी रिमेन कॉन्स्टेंट जस्ट द अपोजिट में है अपन इन सिचुएशन ऑफ बियरिश एक्सपेक्टेशन। अगर फ्यूचर में मार्केट में प्राइस बढ़ने वाली है तो सप्लाई अभी कम हो जाएगी, और अगर फ्यूचर में सप्लाई गिरने वाली है तो अभी प्राइस गिरने वाली है फ्यूचर की तो सप्लाई अभी ज़्यादा हो जाएगी, ये बात है। तो ये नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी है, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट आल्सो इम्पैक्ट्स मार्केट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, इंक्रीज इन टैक्सेशन में डिक्रीज सप्लाई वाइल इंक्रीज इन सब्सिडीज में इंक्रीज इट व्हेन अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई आर कॉन्स्टेंट। सप्लाई पॉलिसी, अगर टैक्सेशन सरकार ने इंक्रीज कर दी है तो सप्लाई कम होगी, और अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी इंक्रीज कर दी है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये डिटरमेंट्स ऑफ सप्लाई थे, तो आज हमने सप्लाई कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस किया, जिसमें सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड सप्लाई शेड्यूल में हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व
सप्लाई कर्व के अंदर हमने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व एंड सप्लाई फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक्स अ लॉट।